वेलकम टू एस एस सी एंड आर आर बी एक्सप्रेस मंथली द हिंदू रिविजन ट्रिक्स मैं दोबारा लेके आ गया हूँ आपके लिए। नवंबर 2019 कवर किया जाएगा, करंट अफेयर कवर डिस्कस किए जाएंगे इसके अंदर पूरे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर हैं द हिंदू से उठाए हुए वो मैं सारे इसके अंदर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और आपने सुना होगा एस एस सी ब्रह्मास्त्र के बारे में, एक सेकंड दो सेकंड के अंदर मैं बता देता हूँ, आपको सिर्फ एक बार पे करना है और जब तक आपकी सक्सेस नहीं मिल जाती आपको तब तक आपको दोबारा कभी भी पे नहीं करना। आपको सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे एस एस सी ब्रह्मास्त्र के अंदर। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नवंबर 2019 के मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। सबसे पहले अवार्ड देखते हैं 55th ज्ञानपीठ अवार्ड, या ज्ञानपीठ बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? अच्युतन नंबोद्री को मिला, ठीक है, अच्युतन नंबोद्री को। तो याद कैसे रखेंगे, अछूत क्या होता है? छूत अछूत की चीज़ें हम छोड़ देते हैं जब हमें ज्ञान हो जाता है, हमें ज्ञान हो जाता है कि सब इक्वल हैं, और ये इतनी घटिया बातें तो कभी नहीं करनी चाहिए, ये छुआछूत वाली बातें तो, ठीक है। तो जब ज्ञान होता है किसी को, वो शिक्षा से आए या किसी भी चीज़ से आए, तो जब किसी को ज्ञान हो जाता है तो वो छूत अछूत की बातें नहीं करता। तो ये आपको याद रखने की ट्रिक हो गई। मलयालम राइटर थे तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से फील्ड से ये थे। नेक्स्ट है सी पी जे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 किसे मिला है ये पूछा जाएगा। ह्यूमन राइट्स के लिए नेहा दीक्षित जी को मिला। नेहा दीक्षित जी कौन है? इंडियन जर्नलिस्ट है, तो ये मतलब किसी चैनल से जुड़े हुए नहीं है, अलग ही अपना फ्रीलांसिंग करते हैं ये, ठीक है। तो नेहा दीक्षित जी को मिला। सर डेविड एटनब्रो, आपने नाम सुना होगा, इन्हें मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इंदिरा गांधी पीस प्राइज को टेन ब्रो, तो इसमें देखिए टेन रफ इसको बोलिएगा, कैसे, एटन ब्रफ, ठीक है। तो ये नहीं कि हमें प्रोनंसिएट कैसे करना है, हमें याद रखने के लिए प्रोनंसिएट करना है कैसे, एटन ब्रफ, ठीक है। तो सर डेविड एटन ब्रफ, तो याद कैसे रखेंगे, रफ नाम दिख रहा है ना आपको, रफ कॉपी बोलते हैं आप इसे, ठीक है। तो आपकी अगर आंधी में कॉपी उड़ गई है तो रफ कॉपी आप 10 रुपीज़ में खरीद सकते हैं, 10 रुपीज़ में रफ कॉपी आती थी जब पढ़ते थे, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर आंधी में आपकी कॉपी उड़ गई है तो 10 रुपीज़ में रफ कॉपी आप नहीं खरीद सकते हैं। देखिए याद करने के लिए आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे। ज्ञानपीठ, ज्ञान का मैंने बताया कि छूत छुआछूत बोल सकते हैं आप जब किसी को ज्ञान हो जाता है, ठीक है। वेल नोन ऑथर जर्नलिस्ट एडिटर इन चीफ ऑफ राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका हैज़ बीन, जो इनके एडिटर इन चीफ हैं इनका नाम क्या है, गुलाब कोठारी। गुलाब कोठारी को अवार्ड दिया गया किसके द्वारा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। कौन सा अवार्ड दिया गया, राजा राम मोहन राय अवार्ड दिया गया। राजा राम मोहन राय के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने सती प्रथा को बंद किया था, जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को भी साथ में जलाया जाता था, तो इन्होंने कहा कि ठहरिए, ठीक है। तो कोठारी, ठीक है, कोठारी से याद रखिए, ठहरिए इन्होंने कहा था, ठहरिए ऐसा नहीं होना चाहिए, और इन्होंने स्त्रियों के लिए बहुत काम किए, तो ये सती प्रथा बंद करने वाले राजा थे। तो राजा राम मोहन राय अवार्ड दिया गया गुलाब कोठारी को। नेक्स्ट है लीलाधर जगूरी, या जुगाड़ी, या कुछ भी बोल सकते हैं, अ वेल नोन हिंदी राइटर हु हैज़ बीन कन्फर्ड 28th व्यास सम्मान। व्यास सम्मान दिया गया है, ठीक है, व्यास सम्मान किसे दिया गया, लीलाधर जुगाड़ी को। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि आपको पता होना चाहिए व्यास जी ने क्या लिखा था, महाभारत लिखी थी, ठीक है। तो महाभारत लिखी थी तो उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का जिक्र किया था, ठीक है, तो श्री कृष्ण की लीलाओं का जिक्र किया था लीलाधर, ठीक है। नेक्स्ट डिफेंस की न्यूज़ देख लेते हैं। एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट थी किन किन देशों के बीच में हुई, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई इंडियन नेवी और कतर की फोर्स के बीच में, तो इंडिया और कतर के बीच में कौन सी हुई, ये देखिए मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, एक्सरसाइज जायर अल बहार, ठीक है, रोर ऑफ द सी भी बोला जा सकता है इसे, लेकिन आपसे क्वेश्चन में वो रोर ऑफ द सी देने के बजाय वो जायर अल बहार भी दे सकता है, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, कतर में देखिए कतार नाम दिख रहा है ना आपको, कतार, ठीक है, आप कतार भी तो बोल ही सकते हैं इसको, तो कतार
दरवाजे के बाहर लगी हुई है, तो बाहर जहाँ पे दिखे वहाँ पे कतार वाला आएगा। तो इंडिया तो याद रह ही जाएगा आपको, क्योंकि कुछ एक ही होती है रेयर जो इंडिया ना हो उनमें शामिल और पूछी जाए आपसे, लेकिन इंडिया शामिल हो वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो कतार बाहर लगी हुई है। नेक्स्ट है टाइगर ट्रायम्फ। इंडिया और यूएस के बीच में ये एक्सरसाइज हुई टाइगर ट्रायम्फ। तो टाइगर अगर वर्ल्ड में देखा जाए कौन है तो वो यूएस ही है, सबसे पावरफुल नेशन माना जाता है। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति ये देखिए इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में हुई समुद्र शक्ति। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा शक्ति किस में है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शक्ति इंडोनेशिया के अंदर है। या आप ऐसे याद रख सकते हैं, चलिए मैं हाथों हाथ अभी दिमाग में आया है मेरे, कि हम इसको ऐसे सोच सकते हैं मुद्रा, ठीक है, समुद्र में मुद्रा दिख रहा है ना, ठीक है, तो हमारे देश की मुद्रा किसके साथ मिलती जुलती होगी, जिसका नाम हमारे देश के साथ मिलता जुलता होगा, तो इंडोनेशिया। तो हमारे देश की मुद्रा इंडिया और इंडोनेशिया की मुद्रा लगभग सेम है, आप ऐसे बोल सकते हैं, चाहे मिलती हो चाहे ना हो, हमें मुद्रा इंडिया इंडिया नाम दिख रहा है, बस याद रखने की ट्रिक बनानी है हमें। तो इंडिया की फर्स्ट देखिए, इंडिया और उज्बेकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई डस्ट लीक, DUSTLIK, कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई ये बात रखिएगा याद, ठीक है। तो डस्ट लीक में देखिए दस्तक नाम दिख रहा है आपको, ठीक है, सॉरी ठीक है, तो आप इसको दस्तक भी बोल सकते हैं। दस्तक 2019 किसके बीच में हुई, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। दस्तक मैंने इसको क्यों चेंज किया, ताकि आपको याद रह जाए कि ये उज्बेकिस्तान में हुई। तो याद कैसे रखेंगे कि किस्तान, किस्तान में किस्तें आ रही है दिमाग में, ठीक है, तो किस्तें लेने दस्तक देने आ जाते हैं वो लोग, दरवाजे पे दस्तक देते हैं कि भाई किस्तें भरो अपनी, ठीक है, तो अबे किस्तें भरो ऐसे बोलते हैं वो, ठीक है, तो अबे से उज्बेकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट महाजन राजस्थान के अंदर ये हुई, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये कहाँ हुई, इम्पोर्टेंट ये है एक्सरसाइज शक्ति किसके बीच में हुई, ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई। तो ये देखिए समुद्र शक्ति में हमने शक्ति से ट्रिक क्यों नहीं बनाई, क्योंकि शक्ति वाली और भी होती है, इसलिए मैंने समुद्र में मुद्रा से बनवाया आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंडिया को शक्ति किससे मिलती है, हथियारों से मिलती है, और इंडिया को हथियार सबसे ज़्यादा सप्लाई कहाँ से होते हैं, फ्रांस से होते हैं, ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज़। मैन हॉकी वर्ल्ड कप कब खेला जाएगा 2023 के अंदर, और होस्ट कौन करेगा, इंडिया करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। मैन वर्ल्ड कप जो होने वाला है क्रिकेट का, वो भी 2023 के अंदर होने वाला है, और जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो भी 2023 के अंदर होने वाला, तो याद रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हेल्ड कहाँ पे होगा ये, भुवनेश्वर एंड राउरकेला के अंदर होगा। नेक्स्ट है डेविस कप। डेविस कप किसने जीत लिया ये पूछा जाएगा आपसे, तो स्पेन ने जीत लिया, ठीक है, हराया किसको है, कनाडा को हराया है। और कमेंट करके बताइएगा कि डेविस कप कौन से खेल से संबंधित है, ऑप्शन दे देता हूं, बैडमिंटन या फुटबॉल, दो ही ऑप्शन देता हूं आपको, ठीक है, तो बताइएगा डेविस कप किस खेल से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स की ही, कि टाइम नेक्स्ट 100 दैट स्पॉटलाइट्स 100 राइजिंग स्टार्स, स्पोर्ट्स क्षेत्र में टॉप 100 नेक्स्ट टाइम में राइजिंग स्टार जिन्हें बोला जाता है उनकी लिस्ट में कौन शामिल हुआ है, ठीक है, तो दुती चंद जो एक स्प्रिंटर है, ठीक है, स्प्रिंटर क्या होता है, धावक, दौड़ने वाला, ठीक है, तो दुती चंद को शामिल किया गया है। गोपी चंद क्या है, पीवी सिंधु के गुरु बोल सकते हैं आप इन्हें, तो उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली कैटेगरी में आ गए हैं, वो एज्ड हैं काफ़ी। क्रिकेटर हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन मेल टू टेक हैट्रिक इन T20, हैट्रिक ली है जिन्होंने, हाँ इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा मैच था, किसके खिलाफ खेला जा रहा, कहाँ खेला जा रहा था, ठीक है, तो T20 के अंदर फर्स्ट मेल हैट्रिक किसने ली है, तो नाम है इनका दीपक चाहर, और कहाँ खेल रहे थे ये, बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे, नागपुर के अंदर ये मैच हो रहा था, तो दीपक चाहर। तो आप कैसे याद रखेंगे कि चार हो जाते अगर एक बॉल पे और विकेट मिल जाती, ठीक है, तो हैट्रिक तो हो गई अच्छी बात है, लेकिन चार विकेट मिल जाती अगर एक नेक्स्ट बॉल पे विकेट आ जाती, तो हैट्रिक क्या होती है, तीन इकट्ठी तीन विकेट ले लेना, ठीक है, चौथी भी अगर विकेट होती तो चार बन जाते, ठीक है, फिर और अच्छा रिकॉर्ड बनता। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है
कि द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ बिकम फर्स्ट फ्रॉम द कंट्री एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड, दुनिया में तो दूसरे नंबर के, इंडिया की तरफ से पहले जिन्होंने 100 T20 इंटरनेशनल खेल लिए हैं। रोहित शर्मा सबको पता है, ये देवधर ट्रॉफी। पहले बात तो आपको पता होना चाहिए ये किससे रिलेटेड है, तो देवधर ट्रॉफी यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो किसने किसको हराया, इंडिया सी को हरा दिया इंडिया बी ने, ठीक है। तो डी देवधर में डी आ रहा है, ठीक है, तो डी तक पहुँचने के लिए बी ने सी को हराया और फिर पहुँचे डी में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सन जो इम्पोर्टेंट है, रानिल विक्रमे सिंघे जी को सक्सीड करके कौन नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं श्रीलंका के, तो महिंदा राजपक्ष। तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों में ही नाम में राजपक्ष आ रहा है, राजपक्ष। तो अब याद कैसे रखेंगे कि महिंदा प्राइम मिनिस्टर है या महिंदा प्रेसिडेंट है या गोताबाया प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि राजपक्ष दोनों में अगर ऑप्शन दे दिए फिर कैसे याद रखेंगे इसको। तो ऐसे याद रखेंगे कि तब आया, मतलब पहले कोई आएगा फिर ये आया, ठीक है। तो पहले कोई आएगा मतलब प्राइम मिनिस्टर छोटे होते हैं, प्रेसिडेंट ऊपर होते हैं उनसे, तो पहले महिंदा आएगा फिर तब आया, ठीक है, गोताबाया। नेक्स्ट है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए फॉर एनिमल एडवोकेसी एफर्ट्स, एनिमल एलिफेंट के लिए इन्होंने जो एफर्ट किया था, जो यूज़ किए जाते हैं राइड के लिए, तो उनके लिए एफर्ट के लिए इन्हें अवार्ड मिला है, इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर, किसको, विराट कोहली जी को। 47th चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं, शरद अरविंद बोबड़े। यूनियन मिनिस्टर हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज, आपने महाराष्ट्र वाला सारा खेल देखा होगा, तो उनमें रेजिग्नेशन दे दिया था अरविंद गणपत सावंत जी ने, तो उनकी उनका कार्यभार किसने संभाल, किन्होंने संभाला है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता होनी चाहिए, नाम दिखते ही आपको पता होना चाहिए इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बना रखी है लेटेस्ट मिनिस्टर नाम से। नेक्स्ट है प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट थे, कंट्री विच इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाई टेररिज्म, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन है टेररिज्म से, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, इंडिया 7th मोस्ट अफेक्टेड है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि टेररिज्म से सबसे ज़्यादा हानि होती है, तो हानि नाम कहाँ दिख रहा है, हानि ये देखिए, हानि HANI, तो हानि नाम जहाँ दिख रहा है वहाँ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड बोला जाएगा इस प्लेस को। नेक्स्ट है द स्टेट विच हैज़ बैंड मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड स्टोरेज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, 1 जनवरी 2020 से कंप्लीटली बैन कर दिया है केरला ने, तो पता होना चाहिए आपको कि इन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा डिसीजन लेना करेले के जूस पीने जैसा है कि चलिए भाई आंख मीच के पी लेते हैं, क्योंकि यह फ़ायदेमंद होगी चीज़, आपको भी पता है एक बार दिक्कत आएगी तो अपना कैरी बैग जहाँ भी जाएँ सामान लेने तो निकलिए साथ लेके। द प्लेस इन उत्तर प्रदेश वेयर डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, याद रखिएगा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, डोनर बोल सकते हैं आप इसे, ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया, वाराणसी के अंदर, ठीक है, वाराणसी के अंदर डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाया गया। नेक्स्ट है वेन्यू ऑफ इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, नाम है यहाँ से शुरू, ग्लोबल बायोटेक बायो इंडिया समिट, ग्लोबल बायो इंडिया समिट कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली के अंदर। तो याद कैसे रखेंगे कि जब बायो सीखता है कोई, ठीक है, तो उसे सबसे पहले दिल खोल के दिखाया जाता है कि देखो दिल के अंदर यहाँ से खून यहाँ जाता है, यहाँ से खून यहाँ जाता है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं। बायो इंडिया समिट कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली के अंदर हुई। नेक्स्ट है कंट्री विच हैज़ बिकम फर्स्ट इन वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस WHO रिकमेंडेड TCV टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है टाइफाइड की, उसको इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कंट्री कौन बन गई है फॉर इट्स नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पाकिस्तान, पाकिस्तान ने ये इसको इंट्रोड्यूस कर लिया है, बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है द स्टेट इन विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ लॉन्च्ड सांस प्रोजेक्ट, सांस कैंपेन को लॉन्च किया टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बच्चों की शिशु मृत्यु दर होती है उसको कम करने के लिए, ड्यू टू निमोनिया, निमोनिया की वजह से जो मृत्यु हो रही है उनको रोकने के लिए सांस प्रोजेक्ट चलाया गया है। सांस के फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, गुजरात, ठीक है। तो अब चाइल्ड मोर्टेलिटी रोकने के लिए, निमोनिया को रोकने के लिए सांस प्रोजेक्ट जो चलाया गया है, तो आप कैसे याद रखेंगे कि सांस अगर नहीं होंगे तो गुजारा नहीं होगा, गुजारा से गुजरात याद आएगा आपको। द प्लेस एट विच एस्टेब्लिशमेंट ओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा एज एन ओटर, सोवा रिगपा आपको पता होना चाहिए एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो प्रैक्टिस की जाती है तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, चाइना, नेपाल, इंडिया की जगह, ठीक है। तो सोवा रिगपा के एक
अब ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन खोला जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये कहा है, तो कहाँ पे, लेह के अंदर, ठीक है, तो लेह लद्दाख के अंदर आप याद रखिएगा, लेह के अंदर ये खोला जाएगा। द वेन्यू ऑफ 2 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा, योगा का 2 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ, मसूरू कर्नाटका के अंदर। याद कैसे रखेंगे कि जब योगा कोई सिखाता है आपको तो क्या कहता है कि मैं शुरू करता हूँ पीछे पीछे आप करिए, ठीक है, ठीक है, मैं शुरू करता हूँ पीछे पीछे आप करना, ठीक है, करना से कर्नाटक। नेक्स्ट है 11th ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई, 11th ब्रिक्स समिट। देखिए ब्रिक्स का क्या खास बात है, याद रखने की कोई दिक्कत नहीं होती, इस बार याद रखिए ब्रिक्स में हुई, तो नेक्स्ट कहाँ पे, रशिया में होगी, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका के अंदर, तो ऐसे चलता रहता है, फिर साउथ अफ्रीका बाद दोबारा ब्राज़ील के अंदर, ठीक है, तो ब्राज़ील के अंदर हुई। थीम याद रखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। नेक्स्ट है बिम्स्टेक की, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए भाई, आप आंख बंद करके बता पाए ऐसे फुल फॉर्म आपको सबकी पता होनी चाहिए, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, बिम्स्टेक की विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, द प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, चलिए ये भी बता दिया, वरना ये भी ना बताता तो भी पता होना चाहिए कि धर्मशाला हिमाचल के अंदर है। वेयर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट नेम्ड राइजिंग हिमाचल वॉज इनोग्रेटेड, तो ये चांसेस कम हैं इसके कि पूछा जाए आपसे राइजिंग हिमाचल कहाँ पे हुई, ठीक है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर की समिट थी, लेकिन हाँ ये कह सकता है वो राइजिंग हिमाचल हुई कहाँ पे, और ऑप्शन सारे हिमाचल वाले दे देगा आपको, ठीक है, मंडी दे दिया या कुछ भी, हिमाचल वाले सारे ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है, तो कहाँ पे, धर्मशाला के अंदर हुई, आपको पता होना चाहिए, धर्मशाला जगह का नाम है, वो धर्मशाला नहीं जो आप दूसरी सोच रहे हैं। 35th एशियान समिट कहाँ पे हुई, अब इसको याद कैसे रखें कि एशियान से सब सोचते हैं कि बैंकॉक में जाके तो लोग ऐश मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बैंकॉक में भी हमारी जैसी ही कंट्री है, दूसरी कंट्री है बस, तो बैंकॉक में लोग जाके मौज मारते हैं, तो एशियान समिट आपसे पूछा जाए तो बैंकॉक, और मैंने ट्रिक्स के साथ भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी जहाँ पे ब्रिक्स G20 सारे ट्रिक्स के साथ जहाँ पे होनी है वो करवाया था आपको, तो वो सर्च कर लीजिए। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 ये कहाँ पे होगा, थीम क्या होगी, राइजन इंडिया, लेकिन ये होगा कहाँ पे, साइंस फिल्म फेस्टिवल कोलकाता के अंदर होगा, ठीक है, तो याद रखिए साइंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे, कोलकाता के अंदर हुई। मोटो ऑफ लोकपाल अडोप्टेड इन प्रेजेंस ऑफ लोकपाल चेयरमैन कौन है इंडिया के, पिनाकी चंद्र घोष या पीसी घोष बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसका मोटो क्या चुना गया लोकपाल का, डोंट बी ग्रीडी फॉर एनी वन वेल्थ, दूसरे के धन के लिए कभी भी लालच मत लाइए अपने दिमाग में, ठीक है, माँ गृद काश्य विधानम। नेक्स्ट है ये तो रटने वाली चीज़ है आपके लिए, ऑब्वियस सी बात है हमें दूसरे की हेल्थ के अंदर कोई भी ग्रीड नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2019 क्लाइमेट एमरजेंसी थी, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया क्लाइमेट एमरजेंसी को, और आपने सुना होगा इस बार काफ़ी अमेजोन के जंगलों में आग लगी थी, तो सब जगह यही वर्ड यूज़ किया जा रहा था, क्लाइमेट एमरजेंसी। ग्रीन टी और वाइट टी, जब भी नाम आए दिमाग में, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है आपको पता होगा, तो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। रैंक ऑफ इंडिया आपसे पूछी जाए ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क के अंदर, ठीक है, रिश्वत वाली लिस्ट बनी थी उनमें इंडिया कौन से नंबर पे था, 78 नंबर पे था, तो याद करने की ट्रिक मैंने आपको करवाई थी कि हमारे ऑफिस में 7-8 लोग ही हैं जो रिश्वत लेते हैं, बाकी कोई नहीं लेता, 7-8 से 78th रैंक आपको पता होनी चाहिए इंडिया की। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हुआ, आपको पता है ये हमेशा कहाँ होता है, प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर होता है, ठीक है, तो थीम क्या थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट है वो साइक्लोन, साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अभी जो न्यूज़ के अंदर होते हैं, जिसने हिट किया वेस्ट बंगाल बांग्लादेश, कोचिंग सब्सटेंशियल लॉसेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, नाम क्या था इसका, बुलबुल रखा गया था। नाम रखने के भी, नोमेनक्लेचर के भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। टॉप 3 स्टेट बताइए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के अंदर, कौन से, तमिलनाडु हरियाणा गुजरात, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो पेडबल्ली फरीदाबाद रेवाड़ी। कौमी एकता दिवस आपको पता होना चाहिए 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाता है, ठीक है, और 19 तारीख को कौन सा डे होता है, 25 को कौन सा होता है, बीच में जो दिन होते हैं उनमें कौन सा डे होता है, तो मैंने लिस्ट आपको दे दी है, हालांकि सारे आप याद मत करके जाइएगा कौन कौन से डेज होते हैं, लेकिन कौमी एकता वाले डेज में से आपसे एक भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कौमी एकता दिवस। अगर आप एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम
ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पे सर्च कीजिए ओली बोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स प्रिंटेबल फॉर्म में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके कमेंट कीजिए कि क्या चीज़ आपको सही नहीं लगी, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। शेयर कीजिए सीरीज दोस्तों के साथ जो डिजर्व करते हैं फिलहाल जॉब लगना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए अगर आपको वीडियो में कुछ खास लगा होगा तो, और बेल आइकन दबाएंगे तभी फ़ायदा है सब्सक्राइब करने का, वरना कोई फ़ायदा नहीं। थैंक यू सो मच।